मेरे नौजवान साथियों, हमारे समाज के अंदर ज्ञानदाता बहुत ज्यादा है और ईगो है। हमारे समाज के अंदर ईगो अगर नहीं होना एक दूसरे के, तो इस समाज का मुकाबला करने के लिए पहले भी कोई विश्व में नहीं था और आगे भी नहीं हो। ये ईगो खत्म करना होगा अपने आप के लिए। मेरे नौजवान साथियों, चाहे संगठन कोई भी हो, मैं किसी भी संगठन में काम करता हो, चाहे मैं समाज के लिए काम करता हो, चाहे मैं सर्व समाज के लिए काम करता हो, पर जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं आज इनको भी हम पूज रहे हैं ना, तो इन्होंने कलम नहीं चलाई थी वहां, इन्होंने तलवार उठा करके तोपों के सामने लड़ने का मादा दिखाया था, इसलिए आज इनको पूज रहे हैं शेखा जी को। और जितने भी हमारे चौक हो, चबूतरे हो, जिनकी भी मूर्तियां, जिनके भी हम स्टेचू लगाए हुए हैं, उन सब ने लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कलम की ताकत नहीं है, हाँ कलम की ताकत है। जिनके पास कलम है वो कलम का इस्तेमाल करें, जिनके पास तलवार है वो तलवार का इस्तेमाल करें, जिनके पास तोप है वो तोप का इस्तेमाल करें। मेरे नौजवान साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आनंद पाल प्रकरण हो, चाहे पद्मावती प्रकरण हो, चाहे सामराव कांड हो, चाहे चतुर सिंह कांड हो, चाहे राजपूत समाज का कहीं भी आन बान स्वाभिमान खत्म करने की बात हो, चाहे कश्मीर के अंदर लाल चौक में तिरंगा फिराने की बात हो, वही तोपों के सामने, उन्हीं तोपों के सामने हम लोगों ने एक तिरंगा लेकर के जाकर के लहरा करके आए। ये आपके राजपूताने की जीत है, ये आपकी राजपूती जो बोली होती है ना, कहते हैं ना राजपूत की बोली और बंदूक की गोली कभी वापिस नहीं आए। मैं तो ये कहता हूं, या तो कहो मत, और कहो तो चाहे सरकार भी कोई भी सरकार हो उसको झुकाओ। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए संगठित रह करके किसी भी चीज का मुकाबला करोगे तो आपकी जीत निश्चित है। आप लोगों ने देखा है, ये राजवी साहब यहाँ विराजमान है, विधायक तो 27 थे ना 27, फिर इन दो विधायकों ने ही क्यों बोला, अरे ये राजवी साहब चित्तौड़ पद्मावती के मामले में धरने पर जाके बैठे, क्यों और नहीं बैठ सकते थे, और नहीं जा सकते थे क्या? पर मेरे नौजवान साथियों, आनंद पाल जी के प्रकरण में वो जैसा भी था, वो गुंडा था या बदमाश था या मवाली था या नहीं था, ये सर्टिफिकेट ये सरकार नहीं दे सकती, कोर्ट देती है, और कोर्ट उसको दोषी कहीं ठहराया नहीं। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए आज यहां इतनी इतनी बड़ी हस्ती विराजमान है कि जिनका सुबह सुबह अगर हम दर्शन कर लेना तो पूरा दिन राजपुताने में गुजरे, पूरा दिन खुशी में गुजरे। अरे महार साहब, वो महार साहब हैं जिन्होंने हम जैसे लाखों युवाओं की प्रेरणा है, ये इन्होंने इतने युवा तैयार कर दिए कि सरकार कोई भी हो सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। मेरे नौजवान साथियों, और इस मंच की सबसे बढ़िया बात आज मुझे यह लगी कि ये राजपूताना मंच है ना, यहाँ हाथ है ना कमल है। मेरे नौजवान साथियों, सबसे बड़ी बात आज इस मंच की यह लगी कि राजवी साहब किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हो, आप लोग भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हो, पर जहां समाज की बात हो वहां समाज सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, मैं बार बार मंचों से कहता हूं कि मेरे दादो साहब, बाबो साहब, मेरे काको साहब, मेरे भाइयों, तुम लोगों को टिकट राजपूत कोटे से मिलती है, तुम लोगों को मंत्री पद राजपूत कोटे से मिलता है, पर तुम राजपूतों की बात को क्यों नहीं उठाते? इसीलिए मुझे टारगेट बनाया जाता है। आज किसी भी आंदोलन के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं राजस्थान में, तो आपके भाई आपके बेटे सुखदेव के खिलाफ हैं। अरे क्यों? क्योंकि मैं इनके सामने झुका नहीं, मेरी गर्दन नहीं झुकी, मैंने लड़ना सीखा है, आप लोगों से लड़ना सीखा है, जो ये अग्रण पंक्ति बैठी है ना। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आज कोई भी काम हो संगठित होकर के चलो, और जो हमारे समाज की बात करे, जो हमारे पूर्वजों की बात करे, जो हमारी एकता की बात करे, जो हमारी समाज प्राण चाहे उस पर आवाज उठाए, उनका कोई भी पार्टी टिकट दे, आप लोगों का साथ और समर्थन उनका आप लोगों को करना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, हम किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं करते, हम पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं, हम पार्टी जो नीति हमारे ऊपर थोपती है उसका विरोध करते हैं। पार्टी हमें कुचलने का काम करती है, एक समाज को कुचल करके दूसरे समाज को ऊपर उठाना चाहती है, उस चीज का विरोध करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हम पार्टियों का विरोध नहीं करते, पार्टी यह चाहती हो कि राजपूतों को कुचल करके जाटों को आसमान पर बिठा दें, तो ये नहीं होने देंगे। आज का युवा जागरूक हो चुका है। मेरे नौजवान साथियों, हम जाटों के कोई विरोधी नहीं है, पुश्तैनी विरोधी नहीं है, जाट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं,
चौधरी चरण सिंह इस देश का प्रधानमंत्री था, बहुत बढ़िया आदमी था। चौधरी देवीलाल इस देश का प्रधानमंत्री बना, बहुत बढ़िया था। अरे बलवीर बानूड़ा था जिसने दोस्ती दिखा दी, जो आनंद पाल के सीने पे गोलियां थी उसने अपने सीने पे ले ली, चाट तो वो भी था। मेरे नौजवान साथियों, इसलिए हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, और बीजेपी से भी कहना चाहते हैं कि राजपूत समाज ने जो मांग पत्र सौंप रखा है वो आप मानो, अगर नहीं मानोगे तो जो समाज की जाजम निर्णय लेगी उस जाजम में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी है। और राजवी साहब जैसे लोगों का मान सम्मान बढ़ाओ जिन्होंने चित्तौड़ में धरने पर गए, सामराव में गए, आप लोगों को याद होगा सामराव में भी ये राजवी साहब गए थे, और अनपाल प्रकरण में भी इन्होंने पत्र लिख करके और सार्वजनिक रूप से भूमिका निभाई थी। ऐसे नेताओं का साथ तो हमें देना होगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दादा साहब बाबाओं से आग्रह है कि मैं आपके समाज का आप ही का अंग हूं, आप ही का खून हूं, मेरे से, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे से गलती हो सकती है, मैं गले ट्रैक पर चल सकता हूं, पर आप लोगों को मेरे दादो सभा बसाओ एक काम करना होगा, मुझे आप समय समय पर डांटते रहे, आपकी डांट खाऊंगा, आप टोकते रहे, आपकी बात मानूंगा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि ये युवा समाज ना, इसको तो पिछले 3 सालों में मैंने राजस्थान में नहीं पूरे भारत के 19 प्रदेशों के राजपूतों को जगाने का काम किया है, और मेरा एक ही मकसद है एमपी विधायक मंत्री बनने का नहीं, मेरा राजपूताना बुलंद रहे, ये केसरिया ध्वज हमेशा बुलंद रहे, एक जाजम हो एक केसरिया ध्वज हो और उस पर बैठने वाले हम राजपूत हो। मेरे नौजवान साथियों, और राजपूत के साथ साथ आप क्षत्रिय हो, क्षत्रियत्व के बारे में मेरे दादो सभा बसा यहाँ विराजमान है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इनको, मैं मेरा पूरा समय इनको देता हूँ, पर यह कहता हूँ कोई भी मामला हो संगठित होकर के उसका मुकाबला करो, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा सके। जय माता जी की, जय गोपीनाथ जी की, बड़ों को ठोक, जय भवानी।